एसएम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डॉक्टर अंबेडकर भवन, जो आज यहाँ विशाल प्रोग्राम हुआ, इस विशाल प्रोग्राम को मैं दिखाने जा रहा हूँ कि विशाल धम्म दीक्षा समारोह एवं प्रादेशिक धम्म सम्मेलन, इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिवार से हमारे बीच में आए थे और आज इसकी जो रूपरेखा रखी गई वो हमारे बीच में है। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं कि आज कितने लोगों ने धम्म की दीक्षा ली और आगे का इनका प्रोग्राम कैसा रहेगा और आगे किस तरीके की गतिविधि रहेंगी कि आज ही 14 अक्टूबर को जो एक धम्म दीक्षा प्रोग्राम करने के बाद में ख़त्म करेंगे, आगे भी इस तरीके का प्रोग्राम चलेगा। आइए हम जब जानकारी लेते हैं। सर आपका नाम? बोधाचार्य अनिल बोध। अनिल बोध जी, आज जो आपने प्रोग्राम रखा, तो इस ये प्रोग्राम रखने का आपका क्या मकसद था? आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि 13 अक्टूबर 1935 को बाबा साहब ने घोषणा की थी कि मैं हिंदू मरूंगा नहीं। लोगों ने इसे अकस्मात संकेत ये जानकर कि हमने हिंदू धर्म को छोड़ना है, वो विभिन्न धर्मों में जाने लगे। वो कोई सिख धर्म में गया, कोई अपने मुस्लिम धर्म में गया और कोई ईसाई धर्म में गया। जब इस तरह की ये धर्म ये लोग बाग अपनाने लगे, तो इन धर्म के अनुयायियों ने बाबा साहब से अप्रोच करी कि बाबा साहब खुद और उनके अनुयायी, ताकि वो एक दूसरे धर्मों में ना जाएं, वो उनके धर्मों में आएँ। तो बाबा साहब से उन्होंने अप्रोच करी और ये मुस्लिम धर्म के थे बैरिस्टर KL गोबा, उन्होंने बाबा साहब को तार भेजा और उसमें कहा कि बाबा साहब, आपके और आपके अनुयायियों का हमारे इस धर्म के अंदर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हर तरह से हम आपको पूरे के पूरे अधिकार दिलवाएंगे और आपको सम्मानपूर्वक हम अपने धर्म में रखेंगे। तो उन्होंने उनको अपने यहाँ पर निमंत्रित किया कि आप हमारे धर्म में आइए। आगे हम बात करें इसी उसमें, तो मुस्लिम धर्म में जब ये हैदराबाद के निजाम थे, उन्होंने भी बाबा साहब को करोड़ों का प्रलोभन दिया कि आप मुस्लिम धर्म में आइए और आके आप हमारे जो हमारा जो सब सम्मान वाला धर्म है, आप अपने अनुयायी को हमारे धर्म में लेके आओ और इसमें आपको सम्मान मिलेगा। इसी तरह जब ईसाई धर्म की बात करें, तो महाराष्ट्र में एक चर्च है, उसके जो बिशप थे वो थे बर्नले, तो उनके और एक थे JW पिकेट, उन्होंने भी बाबा साहब से सेम यही बात कही कि बाबा साहब, आप अपने अनुयायियों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या लोगों आप हमारे धर्म में आइए, आप हमारे धर्म की शोभा बढ़ाइए, हमारे धर्म में आपको किसी भी तरह का कोई भी असमानता का व्यवहार नहीं होगा। इसी तरह ईसाई धर्म हुआ, ये मुस्लिम धर्म हुआ और एक सिख धर्म हुआ। सिख धर्म के उस वक्त गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के उस वक्त के उपाध्यक्ष थे, उन्होंने भी बाबा साहब को कहा कि जो सिख धर्म है ये एक धर्म को मानने वाला है, आप आइए और यहाँ पर समानता का व्यवहार होता है, आप आइए। बाबा साहब ने अपने अनुयायी को कहा कि देखो भैया, अछूतों को कहा कि भाई देखो अछूतों, अगर आप अपने आपको अछूतपन आपने अपना ख़त्म करना है, तो आप मुस्लिम धर्म अपना सकते हो, लेकिन जहाँ तक आपने अपना स्वाभिमान का जीवन आपने व्यतीत करना है, आपने अपना सर्वांगीण विकास करना है, तो वो केवल और केवल बौद्ध धर्म है। तो बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को एक धर्म क्रांति करी। उस धर्म क्रांति में उन्होंने एक मैसेज दिया और लाखों की संख्या में उन्होंने वहाँ पर ये दीक्षा ग्रहण करी। उसमें हमें उन्होंने आदेश भी दिए, उन आदेशों को आजकल हम 22 प्रतिज्ञाओं के नाम से जाते हैं। वो प्रतिज्ञाएं हमारे अगर उनमें जाएँ, तो पहली जो हमारी 8 प्रतिज्ञाएं हैं, वो एक ऐसी प्रतिज्ञाएं हैं, अगर उन्हें चिन्हित करें तो पहली जो 8 प्रतिज्ञाएं वो ऐसी हैं कि एक अशुद्ध जल से भरे पानी को खाली करके उसको स्वच्छ करने का प्रयास किया गया है, और 9 से 18 जो हमारी प्रतिज्ञाएं हैं उसमें स्वच्छ गिलास के अंदर शरबत भरने का प्रयास किया गया है, और 19 से 22 की जो प्रतिज्ञाएँ हमारी, उसमें हमने अपने जीवन को उन्नत बनाना, निर्वाण प्राप्त करना और बुद्धत्व प्राप्ति के प्रयास करने का उसमें इस तरह का है। बहुत आचार्य जी, आज आपने यहाँ प्रोग्राम रखा, तो आज कितने लोगों ने जो धम्म की दीक्षा ली यहाँ पे? अब आपने देखा होगा, आपने कवरेज किया आपके चैनल के माध्यम से, तो मैं अब क्योंकि जो एक्चुअल में जो फिगर है वो तो हम बाद में बता पाएंगे, लेकिन फिर भी हज़ारों की संख्या में यहाँ लोग भाग आए, उन्होंने दीक्षा ग्रहण करी। और ये जो दीक्षा ग्रहण है, अब आपने देखा कि हमने स्पेशली बंते नागपुर से पूना से बुलाए थे बंते आसंग जी, और वहीं से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के परिवार से अशोक मुकुंदराव अम्बेडकर जी, जो आजकल राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हैं, उनके बेटे राजरत्न जी, वो भी हमारे यहाँ आए थे और उन्होंने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दी थी और आज इस प्रोग्राम को उन्हें बहुत सफल बनाया था। तो एक क्वेश्चन आपने किया था कि ये हमने क्यों किया, तो देखो बाबा साहब ने जो हमें किया, जो संदेश दिया, जो हम आजकल कमा रहे हैं और जो आज इस माध्यम से मैं आप चैनल के माध्यम से आपके सामने हूँ,
और पहले से मैं आपके चैनल को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आपने इस बीड़ा को उठाया है और आज ये हम जो हमारी आवाज़ कोई नहीं सुनता, आप हमारी आवाज़ जो जन जन तक ले जाएंगे, तो आप लोगों का धन्यवाद है। तो जब बाबा साहब ने हमें इतना कमाने का, हम कमा रहे हैं बाबा साहब की वजह से सब कुछ है, तो हमारी ये ड्यूटी बनती है जो बाबा साहब ने हमें मैसेज दिया उसको फैलाएं। तो बाबा साहब ने जो उस वक्त किया, जो धर्म क्रांति की, हमने तो कुछ भी काम नहीं कर रहे आज के टाइम में, लेकिन जो भी छोटा काम होता है, एक यहाँ पर ये दीप बुद्धि सोसाइटी ऑफ इंडिया दिल्ली प्रदेश, इसके प्रादेशिक अध्यक्ष सी एस भंडारी जी हैं और उनके सेक्रेटरी आरपी सिंह जी हैं, तो उसी ये संगठन के माध्यम से ये प्रोग्राम आपके सामने आया था। और एक बहुत अच्छा मैसेज आप लोगों के माध्यम से, कई भी और भी चैनल थे जिन्होंने इसको कवरेज किया, लोगों तक गया है। तो उम्मीद है आने वाले टाइम में जैसा बाबा साहब चाहते हैं कि बुद्ध में भारत, तो हम इस और अग्रसर करेंगे। बहुत अच्छा जी, इस तरीके के प्रोग्राम आप साल में कितनी बार करते हैं और आगे आगामी योजना क्या रहेगी इन प्रोग्रामों को लेके? धम्म दीक्षा का प्रोग्राम तो देखो हमारा संगठन साल में एक बार ही करता है, क्योंकि बाबा साहब ने जब धम्म दीक्षा ली थी तो उस वक्त 14 अक्टूबर विजयदशमी थी जी। तो बहुत से लोगों को ये है कि भाई 14 अक्टूबर को बाबा के, लेकिन ऐसा नहीं है, विजयदशमी का दिन होता है वो निश्चित होता है। तो जो विजयदशमी वाला दिन होता है हम लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो धम्म दीक्षा का प्रोग्राम एक बार करते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी शिविर कार्य होते हैं, जो चीवर के 10-11 दिन का प्रोग्राम होता है उसको करते हैं, विचार गोष्ठियाँ होती हैं, और इसके अलावा और भी जो धार्मिक हमारे जो बाबा साहब से संबंधित हैं, जो बौद्ध मिशन से संबंधित हैं, उनको हम करते हैं और हर बुधवार में भी जाते हैं। कोशिश ये करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस धम्म का लाभ मिले। बोधाचार्य जी, आज बाबा साहब के संविधान के अनुसार पढ़ लेकर आईएएस पीसीएस बन जाते हैं, लेकिन जब अधिकारी बनने के बाद में बाबा साहब का नाम लेना वो बंद कर देते हैं, तो क्या कारण है सर इस तरीके की जो विडंबना ये पैदा हो रही है? बहुत दुख होता है सर, क्योंकि जो लोग बाबा साहब को पकड़ पकड़ के आगे तक बढ़े, लेकिन जब वो आगे पहुँच जाते हैं तो बाबा साहब को भूल जाते हैं। मैं एक ऐसे विभाग में हूँ, मैं नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन मैंने अपने विभाग में ऐसे लोगों को देखा है, अपने ही लोगों को, जब ऊँचे पद पर चले जाते हैं तो वो ये भी महसूस नहीं कराना चाहते कि हम फला कास्ट से हैं, या हम बाबा साहब के, हमारे कभी बाबा साहब हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, वो ये बताना भी नहीं चाहते। और तो और वो अपने आदमियों को अपने केबिन में बुलाना भी जो है इस तरह से समझते, तो ये नासमझी है, हिंदुत्व के अंदर बहुत ज़्यादा भुले हुए हैं, बाबा साहब ने जो कहा है उसको नहीं मानते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें हमारे बाप दादाओं की कमी रही है कि उन्होंने उनको संस्कार इतने नहीं दिए कि वो बुद्ध में बुद्ध धर्म के अंदर आएँ, उसके जो संस्कार हैं उनका पालन करें, तो कहीं ना कहीं ऐसी हम लोगों की कमी रही है। तो ये हमें देखने को मिलता है, जो हमारे ऊँचे ऊँचे जो ऑफिसर्स हैं वो हम लोगों की जो है बिल्कुल भी कदर नहीं करते। जहाँ हम अदर कास्ट की बात करें, चाहे वो मीना है चाहे और दूसरी कास्ट हैं, एक अगर वो IAS भी है, IPS भी अगर मीना है, और एक सिंपली नीचे एक क्लास 4 का भी एम्प्लॉई है, तो उनका एक यूनियन बनी हुई है, पूरी मीटिंग होती है उनकी साल दो साल में, 6 महीने में एक बार, और वो बिल्कुल आमने सामने होकर बात करते हैं, और छोटे से आदमी की भी, वो बड़ा आदमी जो होता है उसी जो बिरादरी का है, कास्ट का है, वो उसकी सुनता है, उसको सपोर्ट करता है, लेकिन ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। सर, आप इस प्रोग्राम को लेके आज की जनता, जो हमारी जनता है, उससे क्या अपील करना चाहेंगे आप? भाई यही अपील करना चाहेंगे जो बाबा साहब ने कहा है कि भाई अपने जो आय है उसका जो कम से कम जो है आप 10% हिस्सा जो है बाबा साहब के मिशन को दें। बाबा साहब की जो संस्थाएं हैं, जो बाबा साहब के विचारों को लेकर आगे बढ़ रही है, बौद्ध धर्म को लेकर आगे बढ़ रही है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अनुदान दें, उनके प्रोग्रामों में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें, भाग लें, और जो बाबा साहब के जो बताए हुए 22 प्रतिज्ञाएं हैं उन पर पालन करें, उन पर आगे चलें, पूर्ण रूप से बौद्ध बने, अबौद्ध बिल्कुल ना हो, बुद्ध धर्म और संघ के समर्थक बने, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मिशन के समर्थक बने, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहित करें। यही मैं आपके चैनल से सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, और फिर एक बार आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना समय दिया और हमारी बात लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी आप ऐसे ही कवर करते रहेंगे और हम लोगों की आवाज़ों को लोगों तक पहुँचाते रहेंगे। जय भीम, नमस्कार। आप थे बोधाचार्य अनिल जी, जिन्होंने विस्तार से बताया कि बाबा साहब के बारे में बताया और 14 अक्टूबर के बारे में बताया कि 14 अक्टूबर को ही धम्म दीक्षा समारोह प्रोग्राम करते हैं। इसी तरीके से आज जो यहाँ प्रोग्राम मनाया गया, ये भूमि उस समय की है जिस समय बाबा साहब ने यहाँ बढ़ चढ़ कर काम किया था, और बाबा साहब जब इस अंबेडकर भवन को बनाने जा रहे थे तो यहाँ तरह तरह के लोग यहाँ पर आए थे, पूंजीपति लोग आए थे यहाँ, और पूंजीपति लोगों ने ये बोला था, अंबेडकर आप ये 10-10, 20-20 रुपए इकट्ठा करके आप ही
क्यों इस तरीके से लोगों को परेशान करते हैं? आप एक भवन नहीं, हम यहाँ कई ऐसे भवन बनवा देंगे जिससे कि आप लोग यहाँ आके मीटिंग कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो सोच थी, वो महान सोच थी, उन्होंने कहा था नहीं, मैं आपके पैसे से मैं यहाँ कोई भी अंबेडकर भवन या मतलब इस तरीके का भवन नहीं बनाऊंगा। यदि मैं आपके पैसे से बनवा देता हूँ तो भवन वो आपके नाम से होगा, लेकिन यहाँ अगर खून पसीने की कमाई का 10-10 रुपये अगर मेरे समाज के लोग मुझे देंगे तो मैं उससे बनवाऊंगा। तो उस समय जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा, इस दुनिया से चला जाऊंगा, तो लेकिन उस समय वो लोग याद करेंगे ये वही स्थान है जहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चंदा लेके बनवाया था और अंबेडकर भवन के नाम से जाना जाएगा। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिप्पल, अंबेडकर भवन, झांसी रोड, दिल्ली से।